हाय एंड वेलकम, सूर्यांश किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के नगेट्स। ये झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। ये नगेट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इनकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये गर्मा गर्म तो क्रिस्पी होते ही हैं, पर ये ठंडे होने के बाद और भी ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। इन्हें आप कभी भी स्नैक के रूप में सर्व करें। तो हमें सूजी के नगेट्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कप सूजी ली है, 200 ग्राम के करीब है। 300 ग्राम हमने उबले आलू लिए हैं, इसे हमें मैश करना है। थोड़ा सा फ्रेश धनिया लिया हमने यहाँ पे। एक कप मटर ली है और हमने 3 से 4 हरी मिर्च ली है। मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे आमचूर पाउडर लिया है। एक छोटी चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर। नमक हमने 1.5 छोटी चम्मच ली है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच। लाल मिर्च पाउडर हमने 1/2 छोटी चम्मच ली है। और यहाँ पे धनिया पाउडर हमने 1/3 टीस्पून ली है। अब हम कढ़ाई में 2 कप पानी डालेंगे। हमने 1 कप सूजी ली है तो 2 कप पानी लेंगे हम। 2 या 3 हम छोटे चम्मच ऑयल के भी डाल देंगे इसमें, जिसमें कि हमारी सूजी आपस में चिपक ना जाए। 1/2 छोटी चम्मच नमक भी डालेंगे और इसको हम ढक के एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। तो ये हमारा पानी उबल चुका है, अब इसमें हम सूजी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हम धीमा कर देंगे। ये सूजी हमारी बढ़िया फूल चुकी है, इसको 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे, अच्छे से ये फूल जाए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और मटर को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। गैस को हम धीमी रखेंगे और इसको 5-10 मिनट के लिए हम ढक के भी पकाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे मटर हमारी पकी है कि नहीं। मटर को हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसको चेक कर लेंगे, अभी हल्की कसर है इसमें, थोड़ा सा और इसको हम कुक करेंगे। तो ये मटर हमारी अच्छे से कुक हो गई है, इसको हम मैश कर लेंगे और थोड़ा सा हम दरदरा रखेंगे, थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब इसमें हम अपने सारे मसाले डाल देंगे और मसालों को हल्का सा थोड़ा भूनेंगे। गैस को धीमी रखेंगे ताकि हमारे मसाले चले ना। और सारे मसाले डाल के 2 सेकंड के लिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें अपने बॉईल आलू डालेंगे और मैश करेंगे इसको। एक पिट्ठी हमें इसकी बनानी है। ये हमारा आलू की पिट्ठी मसाला बढ़िया बनके तैयार हो चुका है और इसको 5 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम गैस से उतार देंगे ठंडा होने के लिए। इधर हमारी सूजी भी ठंडी हो चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाते हुए इसका एक डो फॉर्म बनाएंगे। ये हमारी सूजी एकदम बढ़िया सॉफ्ट चिकनी हो गई है, इसको हम ढक के रख देंगे ताकि हमारी सूजी सूखे ना। सूखने के बाद हमारा डो अच्छा नहीं बनेगा। तो हमारी स्टफिंग भी बढ़िया ठंडी हो चुकी है छूने लायक। अब हम इसका सारे का एक एक करके बॉल बना लेंगे स्टफिंग के लिए।
तो ये हमारे सारे बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम सूजी लेंगे एक नींबू के आकार का डो लेते हुए, और इसको हम गोल गोल करके अच्छा सॉफ्ट चिकना कर लेंगे हाथ में ऑयल लगाते हुए, और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए इसको फैला लेंगे हम। उसके बाद ये स्टफिंग रख के इसको हम अच्छे से पैक कर देंगे। सबसे अच्छी खास बात इसकी ये है कि ये तलते समय फटते नहीं हैं। बस सूजी हमारी जो है वो चारों तरफ कोट होनी चाहिए स्टफिंग के। तो हम इसी तरह सारी अपने नगेट्स बना के तैयार कर लेंगे। तो हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें हम एक एक करके नगेट्स अपने डालेंगे, और आँच को हम धीमी रखेंगे। धीमी आँच में हमें पकाना है इसको, और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम सेकेंगे। तो ये हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। कुछ हमने गोल करके नगेट्स बनाए हैं, गोल में आप कोई भी आकार इसमें दे सकते हैं। तो ये कुछ हमने लंबे पीस में लिए थे, कुछ हमने गोल पीस में लिए हैं। तो ये हमारे सारे नगेट्स बनके तैयार हो चुके हैं सर्व के लिए। आप इसे टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें और सबको खिलाएं। तो आप भी बनाएं, खाएं, और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको नगेट्स कैसे लगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।